हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कुछ टेक्निकली प्रॉब्लम के कारण वेबकैम चल नहीं रहा था हमारा, तो हमने आपके लिए सोचा एक ट्यूटोरियल बना देते हैं। तो देखिए, मैं आपको पहले जल्दी से अपना बात का तक ख़त्म करता हूँ। आप लोगों के पास अभी सबसे पहले आप लोगों के पास कुछ मेल आ रहे हैं, और जो लोग मेल नहीं देख रहे हैं वो मेल बॉक्स देखना शुरू कर दें, क्योंकि अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हैं और बहुत सारी जगह क्योरीज आ रही हैं। तो सबसे पहले आप अपने मेल देखें, और डॉक्यूमेंट में जो डॉक्यूमेंट आपके सही से क्लियर नहीं है, जिन डॉक्यूमेंट में उन्हें कुछ इश्यूज हैं, वो डॉक्यूमेंट फिर से स्कैन करके एज अर्ली एज पॉसिबल भेज दें। तो पहला चीज़ है, आप जब तक काउंसलिंग नहीं होती 3 तारीख तक, आप अपना मेल चेक करते रहें। अब मैं दूसरा आता हूँ, उसमें इम्पॉर्टेंट है जो सबसे बड़ा है, कुछ लोगों के पास मैसेज आया हुआ है कि हमको जो मेल आया है उसमें लिखा है आपका वर्क परमिट, जो आपने रेजिडेंस कार्ड अटैच किया था, ओमान के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो वो इसमें वैलिड नहीं है, आप एमबीसी से लिखा के दें। तो अभी मैं आपसे यही बोलना चाह रहा हूँ कि अपने पास टाइम नहीं है, उनको आप 3 काम करिए। पहला काम अपना रेजिडेंस कार्ड, दूसरा वीज़ा का पेज, और तीसरा जो कंपनी का लेटर है फिर से भेजें मेल में, और उन्हें ये एक्सप्लेन करें कि सर हमारे इधर ओमान में यही मान्य है रेजिडेंस कार्ड वर्क परमिट के रूप में, लेकिन यदि आपका कोई फॉर्मेट है, यदि आपको कुछ में चाहिए, तो एडमिशन के टाइम पे हम वो सबमिट कर देंगे, क्योंकि हमें वो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और आप उसके लिए फॉर्मेट भी बता दीजिए कैसा है, तो आप कृपया हमारी एप्लीकेशन को कंसीडर कर लें। ठीक है, तो ऐसा होगा कि मेरे केस में भी जब मैंने फॉर्म अप्लाई किया हुआ था, उस समय बोर्ड से मार्कशीट नहीं आई थी, डिजिटल लॉकर की हमने मार्कशीट लगाई थी, तो मैंने उनको यही बोला कि ये तो ऑथराइज है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट ने दिया है, इसमें सब बारकोड है और इसमें कुछ वो नहीं है, तो भी यदि आप बोलेंगे तो हम दे देते हैं, हमने दे दी वापस। लेकिन बाद में उन्होंने बोला ठीक है सर, हम एक्सेप्ट करेंगे। तो आप एक बार ऐसा मैसेज करके एक डाल दें, उसमें टाइम वेस्ट ना करें, और उनको खुद ही क्वेश्चन कर दें, सर आपका कौन सा फॉर्मेट है बताइए, हम उसको एडमिशन के पहले फुलफिल करने की कोशिश करेंगे, तो इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो जिन लोगों ने एप्लीकेशन विड्रॉ की है स्पॉट राउंड के लिए, उनको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। जो बहरीन के लोग हैं जो मेरे से कांटेक्ट में थे, उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, जो नहीं हो पाए उनको भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपको स्पॉट कोटा के लिए आपके 25 नवंबर तक आपके नंबर पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, सेट से। तो सेट 3 नवंबर को है, तो ये एक रिस्क होगा, आप प्रेसिंग में भी करेंगे पहुँच भी सकता है, और पहली बार यदि आप दे रहे हो तो थोड़ा सा मुश्किल रहता है कि तीनों सब्जेक्ट निकलना, क्योंकि मिनिमम 1800 चाहिए हैं उसमें, इस बार वैसे ही कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट था कि आप लोग किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है तो किसी प्राइवेट कॉलेज में टेम्प्रेरी एडमिशन ले लो, नहीं तो आपका 1 साल ख़राब हो सकता है, ठीक है। बहरीन के लोगों को मैं बता रहा हूँ, और सऊदी कतर के लोग जो भी मेरे से बात थी, तो मैंने आप लोगों के पॉइंट रिजॉल्व उसमें कर दिए थे जो आपके रिलेटेड थे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अब ये मेल के जो डॉक्यूमेंट के, सबसे पहले ये सब देखो अपने, और अपने हर फ्रेंड को मैसेज करो या मेल देखते रहें, क्योंकि अब हर चीज़ में। अब दूसरा चीज़ है, जब 3 तारीख को आपका काउंसलिंग का रिजल्ट आएगा तो आप वो कहाँ देखोगे, उस रिजल्ट को आपको मेल में नहीं देखना है, उसमें दासा की एप्लीकेशन जो आपने भरा हुआ है ना उसमें वो आएगा, तो आपको वहाँ पर देखना है और उसको एज अर्ली एज पॉसिबल अपने को रिस्पॉन्ड करना है। यदि आपको वो एक्सेप्ट है तो आप उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, यदि आपको लगता है कि मेरे को एक्सेप्ट नहीं है, मेरे को और हायर में जाना है ग्रेड में, अपनी रेटिंग और हाई मेरे को सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में आ सकती है, तो आपको एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करेंगे, लेकिन गलती से भी डिक्लाइन नहीं करना है। यदि आपने डिक्लाइन कर दिया तो आप उस रेस से बाहर हो जाएंगे, किसी लिस्ट में आपका नाम नहीं आएगा, आपको स्पॉट राउंड के लिए ही अप्लाई अलग से करना पड़ेगा। अब मेडिकल के लिए बहुत से लोग मेरे पास परेशान हो रहे हैं, मेडिकल की सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है अभी आपको, जब जिस कॉलेज का एडमिशन के लिए आएगा प्रोसेस उसमें वो बताएंगे, और सबके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, उस समय आप करवा लेना, मेडिकल कुछ नहीं है, बेसिक से चीज़ें, आँख का वजन कितना है, आपका मतलब हाइट कितनी है, ये सब बेसिक चीज़ें रहती हैं, ये आप वहाँ से भी कर सकते हैं, उधर उनके जो फर्स्ट एड सेंटर रहते हैं, इट्स नॉट वेरी बिग थिंग, तो उसमें आप परेशान अभी से ना हों। दूसरा, जो दासा की एप्लीकेशन यदि आप एक्सेप्ट करेंगे तो उसको डाउनलोड करके उसको साइन करके रेडी रखना, ठीक है। और इस सब के साथ में आपको ट्यूशन फीस कम से कम 30 से 40 हज़ार रुपये और
अभी लगेंगे आपको एडमिशन के समय। अब इम्पॉर्टेंट बात में आता हूँ कि यार एडमिशन में हमें जाना है, अभी तक जिस हिसाब से प्रोसेस चल रहा है, जिस बारीकी से डॉक्यूमेंट वेरीफाई किए जा रहे हैं, उससे ये कहीं नहीं लगता है कि हमको वहाँ फिजिकली जाना पड़ेगा। तो अपने जो भी ट्रैवल बनाएं, प्लान बनाएं, 3 तारीख के बाद बताएं। 3 तारीख को मैं फिर से एक कोशिश करता हूँ लाइव आने की, और या फिर मैं ट्यूटोरियल बना कर डालूंगा आपको, लेकिन ये आप अपनी रिस्क पे, ये नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, ना मैं किसी दासा का ऑथोराइज पर्सन हूँ, ना मैं कहीं NIT का कोई ऑथोराइज पर्सन हूँ, मैं सिर्फ बेस्ड ऑन आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ कि जो प्रॉब्लम हमने एडमिशन में देखी थी या जो हमारे क्वेश्चन थे, हम लोगों को रिजॉल्व करें, लोगों को हेल्प करें, ऐसे सोसाइटी के तौर पे उनको हेल्प करने के लिए मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ। सिंस आई हैव ऑलरेडी एडमिटेड माई वन डॉटर एंड अनदर डॉटर इज सपोज टू एडमिट दिस ईयर, तो आप उस चीज़ में अपना रिस्क में एक डिसीजन लेना, आप इंडिया जाना है तो चले जाइए, लेकिन 90% ऐसा लगता है कि हो सकता है कि ऑनलाइन हो, तो आप ये डॉक्यूमेंट रेडी रखना कि आपको हो सकता है ये अपलोड करना पड़े। तो आप जो प्रिंट आउट निकालेंगे एप्लीकेशन, जो आपको प्रोविजनल लेटर मिलेगा, उसमें साइन करके स्कैन करके रेडी रखना, फीस रेडी रखना, और जिस कॉलेज के हिसाब से उसकी साइट पे जाकर देख लेना उसकी क्या रिक्वायरमेंट है मेडिकल की, तो वो आप कर लेना, बस छोटी सी चीज़ करना है। इसके अलावा और यदि कुछ आपकी क्वेरीज हो तो आप मेरे को डालना, इम्पोर्टेंट यही था कि मेल अपने आप चेक करते रहिए, और कुछ रहेगा तो आई विल अपडेट यू सून। थैंक यू।